everybody, hope you all are doing well. This is Deepa and today we will be discussing about sewage canal, jo ki exam point of view se important hai. So let's get begin with our topic today. But before I start the session, if you are new to my channel, please channel ko subscribe kar dena, sabhi ke saath share karna mat bhulna. ठीक है, स्वेज कनाल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट है जो कि मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है. और ये जो ट्रेड रूट है वो केप ऑफ गुड होप का जो ट्रेड रूट है उसके साथ अगर कंपेयर किया जाए तो इसका डिस्टेंस जो है कम है, इसीलिए ये जो है इम्पोर्टेंट सी रूट है. एक दिन में करीब 100 शिप्स क्रॉस करता है, तो आप समझ ही सकते होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है. और इसकी जो गहराई है, डेप्थ जो है वो 15 मीटर तक है और लेंथ जो है वो 160 किलोमीटर के करीब है लेंथ. और फर्स्ट कब इसे एस्टेब्लिश किया गया था, 1869 में सबसे पहले इसे एस्टेब्लिश किया गया था. और जो है एक शिप को 12 घंटे टाइम लगता है पूरा जो है कवर करने में, ये जो कनाल है इससे गुजरने में टोटल 12 घंटे का समय लगता है. तो ये कुछ छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, आई डोंट नो कि एग्जाम में पूछेगा या नहीं, मुझे भी कोई आइडिया नहीं, बट स्टिल मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में सभी को अच्छा लगता है ना, मुझे भी पसंद है. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. और इतने ही इन्फॉर्मेशन थे जो आपसे शेयर करना था. और आपको ध्यान रखना है कि रेड सी से मेडिटेरेनियन सी को स्वेज कनाल जो है कनेक्ट करता है. लोकेशन ध्यान रखना है, यही सब क्वेश्चन में आशा करते हैं कि पूछा जा सकता है और आगे भी पूछा जाएगा. सो वी आर डन विद आवर सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करती रहिए एंड विल मीट सून. सो टाटा, बाय बाय, सी यू.